राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवर्तन का व्यक्ति है। तो कांग्रेस सांसद की नजर में बीजेपी को जो वोट करेगा वो राक्षस होगा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोर आजमाइश में अभी से जुटी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के कैथल में कांग्रेस का जन आक्रोश प्रदर्शन चल रहा था। इसमें रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने जन आक्रोश प्रदर्शन में कुछ ऐसा कह दिया कि हंगामा मच गया। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। बतौर सुरजेवाला, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं महाभारत की तरह इस भूमि से आज उन्हें श्राप देता हूँ। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूँ। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। इस विवादित बयान की चिंगारी बिहार में भी भड़क गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस को ही राक्षस बता दिया। मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला सहित सभी नेता 2024 की हार के डर से बौखला गए हैं। राक्षस कौन होते हैं हम सब जानते हैं। जो गरीब को सताता है वही राक्षस होता है, जो भ्रष्टाचार करे, जो देश हित की बात ना करे वो राक्षस होते हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सुरजेवाला सहित वो लोग 2024 की हार होनी तय देखकर विचलित हो गए। राक्षस कौन होता है, राक्षसी प्रवृत्ति किसकी होती है हम सब जानते हैं। जो गरीब को सताता है वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है, जो भ्रष्टाचार करे वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है, जो देश हित की बात न करे वह राक्षस प्रवृत्ति की होता है, जो समाज में दमनकारी नीति, समाज के लिए दमनकारी नीति रखता है वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है, जो अपने अहम में, अहंकार में रावण की तरह जो डूब जाता है, जैसे कांग्रेस और उसके नेता डूब गए हैं, वह राक्षस और राक्षस प्रवृत्ति का होता है। तो कांग्रेस ने अभी तक जो काम किया है गरीबों का दमन करने का, देश में हमेशा अराजक स्थिति लाने का, तो और इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाली कांग्रेस खुद राक्षस प्रवृत्ति की है। वहीं बड़ा सवाल यह भी है कि जिस अंदाज में सुरजेवाला ने बयान दिया उसे आप कैसे देखते हैं। जाहिर है इस बयान पर सियासत आने वाले दिनों में और गर्माने वाली है। पटना से निकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।